नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते 24 घंटे में देश में 33,376 नए मामले आए सामने, 308 मरीजों की हुई मौत। स्वामी विवेकानंद की शिकागो में दिए भाषण को पीएम मोदी ने किया याद, ट्वीट कर भारतीय संस्कृति की सराहना। मुंबई के निर्भया की इलाज के दौरान मौत, अधिक खून बह जाने से नहीं बच सकी जान। शहर में बारिश के बीच बाप्पा का आगमन, 800 के करीब सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने अनुमति ली। गडकरी ने एचसी में दी अर्जी, कहा गैर कानूनी है पटोले का शपथ पत्र। सिलेवाड़ा में बिजली गिरने से दो युवकों की मौत, मिलेगी 4 लाख की सरकारी मदद। सुगंधित तंबाकू बनाने वाले कारखाने पर छापा, 6,60,000 का माल बरामद। विश्वविद्यालय को नैक ग्रेडिंग, रिसर्च के लिए मिलेंगे करोड़ों का अनुदान। अशी मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर के बीच में आवाजाही शुरू, यहां बन गया नया ब्लैक स्पॉट। पीओपी मूर्तियों पर कार्रवाई जारी, 217 दुकानों में दी दस्तक, 58 प्रतिमाएं की जब्त। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।